बच्चो, हाउ आर यू? अब क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? बढ़िया। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आपके पास आए हैं, जिसमें हम लाए हैं औ की माता। औ यानी कि जिसे आपको बड़ा औ बोलते हैं, उसकी माता। तो इस वीडियो में या इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और पहचानेंगे भी। तो देखिए, पढ़िए और जोड़कर लिखिए। तो पहले आपको दिख रहा है क्या है, छोटा जैसे बोलते, इसके ऊपर औ के मतलब लगाएंगे तो बनेगा और, रा लिखेंगे तो जोड़ के बनेगा और। क्या बनेगा बच्चों? और आ, आ के बाद औ की मात्रा, रा। क्या पढ़ेंगे इसे? और यहाँ लिखा है ना, ना पे औ की मात्रा, नो। और फिर का, नौका। नौका कहाँ होती है? पानी में, जो आप लोग कागज़ की भी बना के पानी में चलाते हैं। ये लिखा है पा, पा पे औ की मात्रा, प। और ये धा से धनुष, आ की मात्रा, पौधा। पौधा यानी कि जो हरे रंग के होते हैं, फूल पत्ती लगी होती है, वो कहलाता है आपका पौधा। फिर है चौकी, चौकी किस काम आती है? बैठने के। चा, चा पे औ की मात्रा, का, का पे ई की मात्रा। तो ये बन गया हमारा चौकी। ये है लौकी, लौकी किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। कुछ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते, लेकिन खानी चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बना लौकी। इसी प्रकार से नौकर, नौकर कौन होते हैं? जो काम करते हैं और हम उन्हें उसके काम की जगह पैसे देते हैं, वो कहलाते हैं नौकर। तो बच्चों, आपके समझ में आया कि हमने औ की मात्रा जोड़ के कैसे शब्द बनाए? अब चलिए और रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। दो अक्षर वाले शब्द, यानी कि यहाँ पे दो अक्षर के शब्द हैं जिन पे हमने औ की मात्रा जोड़ी। जैसे लाल, लापा औ की मात्रा, और का पे ई की मात्रा, लौकी। चा, चापे औ की मात्रा, का पे ई की मात्रा, चौकी। को यानी कि का पे औ की मात्रा, और आ। कौआ, देखा कौआ का का करता है, ठीक। फिर बा पे ओ की मात्रा सही से, और ना, बोना। बोना कौन होता है? जो अपनी उम्र की हाइट से कम बच्चे होते हैं या कोई होते हैं, उन्हें हम बोना कहते हैं। बोना। और फिर है मो का, माँ माँ पे ओ की मात्रा का, मौका। फा, फा पे ओ की मात्रा, जाफोज। इसी प्रकार से तीन अक्षर वाले शब्द, यानी कि अभी हमने दो अक्षर वाले बनाए थे, अब कौन सा बना रहे हैं? तीन अक्षर वाले। तीन अक्षर वालों में क्या है? हथौड़ा, था पे लगाई ओ की मात्रा, ओड़ा। हथौड़ा, दौलत। बी, छो, छा पे ओ की मात्रा लगाई, छा से छतरी लिखते हैं ना, तो छो हो गया ना। बिछौना। सरोता, सरोता किस काम आता है? सुपारी वगैरह के काटने के। पकौड़ी, पकौड़ी तो सभी खाते हैं, बढ़िया बढ़िया, मम्मी से खूब बनवाई जाती है। फिर खिलौना, खिलौना क्या होता है? किचन टॉयस आप खेलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? खिलौना। तो दो अक्षर में लौकी, चौकी, कौआ, बोना, मौका, फौज, ये मैंने लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीन अक्षर वाले शब्दों में हथौड़ा, दौलत, बिछौना, सरोता, पकौड़ी, खिलौना। इसके अलावा और भी अक्षरों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हमने तीन अक्षर, दो अक्षर के सीखे, अब हम सीखेंगे चार अक्षर वाले। तो चार अक्षर वालों में हमारे कौन से शब्द होंगे? जौनपुर, जहाँ पे औ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा जौनपुर। चौकीदार, चा पे लगाई तो चौकीदार, सा पे लगाई तो सो दागर। नो, जवान। पौधा, घर। पौधा घर देखा है, जब पौधों को रखा जाता है उसको कहते हैं पौधा घर। और ये बनी रोबदार, रोबदार कौन होते हैं? जिनका रौब बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को बोलते हैं रोबदार।
जो आपने देखा चार अक्षर वाले शब्द हमने कैसे बनाए। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे कुछ सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी कि हमें एक वाक्य बनाना है और शब्द हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और कुछ शब्द हमने यहाँ पे दे रखे, जैसे बोना, मौसी, खिलौना, चौधा। तो आप देखिए, जौनपुर से आई कौन आएगी, मौसी। कौन आएंगी, मौसी। तो हम यहाँ लिखेंगे मौसी, मौसी। और मिठाई लाएं तो क्या क्या लाई होंगी, खिलौने, खिलौने। और मिठाई लाएं, बोना रोज क्या खाता है, चौदह। क्या खाता है, चौदह। रोटी खाता है। का कद छोटा है, किसका कद छोटा होता है, बोने का। मैंने आपको बताया जो लोग छोटे कद के होते हैं उन्हें बोना कहते हैं, बोने का कद छोटा है। सही है, तो बच्चों को समझ में आ गया रिक्त स्थान हमने कैसे करे। जौनपुर से मौसी आई, खिलौने और मिठाई लाई, बोना रोज चौदह रोटी खाता है, बोने का कद छोटा है। ठीक बच्चों, अब सही स्थान पर ओ की मात्रा लगाओ। जैसे हमें कहाँ पर ओ की मात्रा लगे, चा पे लगाएंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, चौकी। सही है ना बच्चों, ये क्या है, मोज, मोच। क्या बना, मोच, मोच। औलाद, आप लगाएंगे ओ की मात्रा, ओ ला द, औलाद। दौलत, क्या बनाएंगे, दो दापे ओ की मात्रा, ल त, दौलत। दौलत किसे कहते हैं, रुपए पैसे को हम क्या कहते हैं, दौलत कहते हैं। तो बच्चों, आपको चार अक्षर वाले शब्द सही स्थान पर चुनकर रिक्त स्थानों में शब्द और सही स्थान पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने बताए। आगे की वर्कशीट में देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, चित्रों को आपको पहचानना है और उनका क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या है, ये लौकी है, हरी हरी लौकी। कौन खाता है, सभी बच्चे खाते हैं भाई ताकतवर बनने के लिए। लौकी मैंने एक बार लिख दिया, यहाँ पे आप अपना आप लिखेंगे। ये एक नंबर है, कौन सा नंबर है, चौदह। चा चप ओ की मात्रा, द और हा, चौदह। ये आपको दिख रहा है क्या है, गमले में एक पौधा लगा है, पौधा, पौधा। क्या क्या बनाया हमने, लौकी, चौदह, पौधा। ये क्या है, तो सॉरी तो ता बनाएंगे, तो ली या तौलिया, तौलिया किस काम आती है, ये ता है बच्चों, सही से बनाइएगा आप, थोड़ा सा मेरा मिसप्रिंट हो गया। तौलिया किस काम आती है, आपके गले गीले शरीर को पोंछने के, तौलिया। चलिए एक बार मैं इस वाली जगह पे भी लिख देती हूँ, ता तप ओ की मात्रा, ला पे छोटी की मात्रा, ली या तौलिया। ये क्या है, नौका, नौका किस काम आती है, नदी में एक पार से दूसरे पार जाने के लिए। तो ये हुई नौका। और ये क्या है, हथौड़ा, हथौड़ा किस काम आता है, किसी भी चीज़ को तोड़ने का, हो था ओ की मात्रा, ओड़ा, हथौड़ा। ठीक है ना, तो बच्चों क्या क्या बनाया हमने, चित्रों को पहचान के क्या क्या लिखा, लौकी, लौकी हरे रंग की खाने की स्वादिष्ट सब्जी होती है, चौदह, चौदह एक नंबर है, और ये पौधा, पौधा हम कहाँ लगाते हैं, गमले में लगाते हैं। ठीक है ना, और ये तौलिया, नौका। बच्चों, हिंदी की एक वर्कशीट और है, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे एक गोले में मैंने एक ओ की मात्रा का
अक्षर लिखा, ओ की माता जिस पर लगाई है, और कुछ शब्द या लिखे हुए जैसे गिक लिखा हुआ है, तो हम या यो और गिक जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा यौगिक। तो इनको आपको जोड़ के लिख के बनाना है, क्या बनाना है, यो गी गाय सॉरी यो गी क योगिक योवन यो ये क्या है वन यौवन यौवन को जोड़ के बने हैं। ये क्या है रोह है और ये क्या है रौनक रा पर ओके माता रो न रौनक। ये क्या है रौद्र रौद्र यानी कि गुस्से का रूप रो दा पे नीचे रा रौद्र। ये क्या है लौट लॉट ये लौकी और ये हमने शौक ये शौकीन और ये जोड़ा इसमें शौचालय शो चा ले। देखा आपने हमने क्या क्या बनाया, यो जोड़ के गिक में यौगिक बनाया, ये वाला शब्द गलत लिखा हुआ है इसलिए हमने दोबारा लिख दिया यो वन रौनक रौद्र लोट लौकी सो क सो की न और ये जोड़ा शौचालय। इस प्रकार से हमने यो रो लो शो यानी कि ओ की मात्रा में और शब्दों को जोड़ के नए शब्दों का निर्माण किया। इसी प्रकार से आप भी और शब्दों को जोड़ जोड़ के नए नए अच्छे अच्छे शब्द बनाइएगा और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये मात्रा लिखनी और पढ़नी आ गई होगी। आप और एक्सरसाइज वगैरह का को करिएगा। धन्यवाद।